आप सबका वापस स्वागत है बैकड्रॉप में। तो आज हम देखने जा रहे हैं सवेरे वाली गाड़ी। सवेरे वाली गाड़ी, हर मुंबईकर को सवेरे वाली पहली गाड़ी का स्ट्रेस मालूम होगा। उसमें कितनी भीड़ रहती है और कितने लोग कहाँ जाते हैं और उसी गाड़ी से वापस भी आते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही औरत की है जो सवेरे की पहली गाड़ी पकड़ के अपने शूट के स्केड्यूल पे गई है और दूसरे दिन उसी गाड़ी से वापस आती है। अब ये पूरे दिन में उसके साथ क्या क्या होता है, उसे क्या क्या स्ट्रेस मिलता है, उसे क्या क्या परेशानियां मिलती है, उसके ऊपर ये पूरा नाटक है। मुंबई में रोज हजारों की तादाद में एक्टर्स आते हैं। इतने एक्टिंग के जॉब्स तो अवेलेबल है नहीं, तो हर किसी को काम नहीं मिलता। पर हमारी ये कैरेक्टर बी सुल्लू, जब उसे उसके सीरियल में पहला रोल मिलता है एक कैमियो आर्टिस्ट का, तब उसका सफर क्या रहता है, ये पूरी कहानी उसी के ऊपर आधारित है। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उनको ये कैरेक्टर के बारे में क्या कहना है। ये कैरेक्टर मैं जी चुकी हूँ। मैं खुद एक सीरियल आर्टिस्ट हूँ, मराठी हिंदी सीरियलों में काम करती हूँ और अभी गए 20 साल से मैं ये अभिनेत्री के तौर पर हिंदी इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ। और तो ये सब जो चल रहा है अपना समय का कारवा, इसमें मैं खुद को पहली स्टेप पे, ये जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया है वो पहला स्टेप था कि एक छोटे से किरदार के लिए मैं दिन भर बहुत दिनों तक बैठी रही, नॉट ओनली फॉर वन डे। ये मैंने बहुत साल तक किया, करते 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 आज जाके एक कुछ थोड़ी सी पहचान बन पाई है, लेकिन उसकी शुरुआत ऐसे थी। और ये नाटक की वो जो एक्ट्रेस है वो छोड़ती नहीं है वो ये बात। ये एक समय पे वो थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है, लेकिन एक फिर से उभर आती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं छोड़ना है ये काम। तो उसका जो है ना अपना अंदर से जो उसकी जो इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं को उसने मरने नहीं दिया। तो ये करते, लेकिन होता क्या है, शुरू में हमें इस तरीके का काम करने की जो चाह रहती है ना, उस चाह के पीछे हमारे अलग ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं कि ऐसा करें तो फिर काम मिल जाता है, वैसा करें तो फिर काम मिल जाता है। काम, अभिनय, एक्टिंग, ये बहुत अलग चीज़ है। उसके लिए खुद को अंदर से खंगालना पड़ता है, वो इतनी सीधी साधी बात नहीं है। खुद को उस तरीके के लिए बनाने के लिए खूब आत्मचिंतन होना ज़रूरी है। तो वो आत्मचिंतन उस एक्ट्रेस को करने का मौका मिलता है। वो किस तरीके से मिलता है, उसे कौन मिलता है इस नाटक में, इसका ये ड्रामा है। तो मतलब एक ऐसी बात रहती है ना कि काम कोई भी हो, लेकिन उस काम को अच्छी तरह से निभाने के लिए उस काम का आजू बाजू, आना कोना, सब बाजू हमें आनी चाहिए। सादा गाना हो या एक्टिंग हो, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे नॉवेल्स पढ़ना, तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस, तुम्हारे हर तरीके की चीज़ों को अनुभवित करना, इस चीज़ को बहुत मायने, ये चीज़ बहुत मायने रखती है अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो। एक्टर बनना मतलब सिर्फ ऑडिशन देना नहीं है, एक्टर बनना मतलब इसको उसको फ़ोन करके तेल तूप लगाना भी नहीं है, एक्टर बनना मतलब सारी ज़िंदगी को समझना है। मुंबई में एवरी डे हज़ारों में स्ट्रगलर्स आते हैं एक्टिंग के लिए, अंधेरी पूरा उन्हीं से भरा हुआ है। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडिशन हाउसेज होंगे या बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पे ये एक्टर्स का मिसयूज़ हो रहा है, जहाँ पे उन्हें काम नहीं दे रहे बट पैसे उनसे लिए जा रहे। तो उनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें तो। वही ना, खुद के लिए ना, इसलिए मैं तो जो आत्मचिंतन ये शब्द मैंने इसलिए उच्चार किया उसका, कि भगवान ने सबको बुद्धि दी है, सबको विचार करने की शक्ति दी है, सिर्फ हम उसको ना यूज़ नहीं करते, हमने उस पर पर्दा डाल रखा है। हर चीज़ को पूरी तरह से देखा करो, हर चीज़ को जाना करो, तो तुम्हें समझ में आता है कि सामने वाला तुम्हें बंदा फंसा रहा है। तुम लोग अगर उसको पैसे देते हो तो तुम लोग पहले मूर्ख हो, तुमको समझ में आना चाहिए ना कि ये मैं जो अगर 80,000-75,000 फी देता हूँ, उसके बदले ये मुझे क्या देगा, इसने पहले किन किन लोगों को दिया, इसका अभ्यास तो करना चाहिए ना। मेरा 75,000 अगर जा रहा है तो मुझे पहले वो देने से पहले मुझे 15 दिन रिसर्च तो करना चाहिए कि ये बंदा क्यों दे रहा है, क्यों ले रहा है इतने पैसे, इसने और किसको किसको दिया है काम, किस तरीके का काम दिया है।
इतनी तो अक्ल हम में होती है, सादा वड़ा पाव बेचने वाले को भी ये वो अक्ल होती है। तुम तो एक्टर हो यार, सेंसिटिव हो, क्यों ऐसे भिखारी की तरह रहते हो? नहीं करना है ऐसे, पहले रिसर्च करो किसको क्या देना है और किसको क्यों देना है, क्योंकि पाई पाई अपने मेहनत की होती है। कहानी के सेकेंड हाफ में हम एक ऐसे कैरेक्टर से मिलते हैं जो हम रियल लाइफ में उसे बहुत नेगेटिव मानते हैं। इस कैरेक्टर का नाम क्या है और ये कैरेक्टर क्या है ये हम आपको नहीं बताएंगे, आप नाटक देख के ही जानिए। ये कैरेक्टर से हमें क्या सीखने मिल सकता है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी हूँ तृप्ति वाला वालकर मैम के साथ, जिन्होंने इस पूरे नाटक में एक बहुत बहुत इनडायरेक्ट कैरेक्टर प्ले किया है। आप इन्हीं से जान लीजिए कि उनका कैरेक्टर क्या है और इनडायरेक्ट कनेक्शन है पूरे ड्रामा में इनका। जीवनातलं सत्य सांगण्याचा प्रयत्न करते, म्हणजे जगताना तुम्ही कुठेही स्वतःचा आत्मसन्मान कुठेही कमी करायचा नसतो, घालवायचा नसतो, त्या आत्मसन्मानाला जपायचं असतं। मग तुम्ही धंदा कोणताही करा, तिचं स्वतःचं एक असं तत्व आहे, आत्मसन्मान आहे, त्याला ती जपते। आणि ती एक जीवनाचा वेगळा पैलू लोकांसमोर ठेवते किंवा त्या नायिकेसमोर ठेवते की कोणासमोर जगताना लोचट नाही व्हायचं। स्वतः धंदा करताना कोणताही मग तुम्ही करा, त्याच्यासाठी स्वतःचा आत्मसन्मान जपा आणि त्याच्याशी प्रामाणिक राहा। Do like, comment and share our video. Subscribe the channel, hit the bell button and get reminded every video.